नमक बदल दो, आपकी बहुत बीमारी चली जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। इस चैनल पर हम राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए ऐसे कुछ अचूक उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे जीवन को हेल्दी बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं काला नमक के फायदे के, उसको कैसे उपयोग करना है, और हम यह भी जानेंगे कि क्या काला नमक खाने के कोई नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, हमारी रसोई घर में ऐसे कई खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिनके औषधीय फायदे होते हैं और हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आपके घर में एक बहुत अच्छी दवा है, काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो अपना। पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद कर दो, आप या तो सेंधा नमक लाओ नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो। काले नमक की कहानी भी ऐसी ही कुछ है। काला नमक खाने के फायदे के बारे में जानने के बाद हर कोई इसका उपयोग नियमित रूप से करना चाहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास हमें दिया है राजीव दीक्षित जी ने। इसके औषधीय गुण कई रोगों को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं और कुछ हद तक रोगों के इलाज में भी सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के बारे में हम इस वीडियो में वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। काला नमक भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य पर कई तरह के लाभ पहुंचाता है। काले नमक के कुछ फायदे हैं, जैसा कि पहला, सीने की जलन से राहत। जिन लोगों को अक्सर सीने में जलन की समस्या होती है उनके लिए काले नमक का सेवन फायदेमंद साबित होता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक काले नमक में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो सीने की जलन से राहत दिलाने में काम करता है। दूसरा फायदा है मधुमेह के लिए। काला नमक खाने के फायदे मधुमेह के रोगियों के लिए भी हो सकते हैं। मधुमेह की स्थिति में सिर्फ एक चीनी ही नहीं बल्कि नमक को भी हमें कम इस्तेमाल में लेना चाहिए। और क्योंकि काले नमक में सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए डायबिटीज, शुगर या मधुमेह के रोगियों को काले नमक का उपयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है वजन कम करने के लिए। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि प्रतिदिन सामान्य नमक के स्थान पर यदि काले नमक का उपयोग किया जाए तो वजन भी बहुत ही तेजी से कम होता है। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मोटापा घटाने का बहुत ही कारगर तरीका है काला नमक का सेवन करना। काले नमक का चौथा फायदा है कब्ज और पेट फूलने की समस्या से राहत। काले नमक के अंदर एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है जिसकी वजह से ये ना सिर्फ वजन घटाने में हमें हेल्प करता है बल्कि हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे कब्ज को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, काले नमक का पांचवा फायदा है रक्तचाप के लिए। काले नमक के साथ लाभ की बात करें तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप का भी जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। और यही नमक हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। लेकिन वो कैसे ठीक करता है? हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है उनको नमक मिला के पानी में स्नान करना, पानी से, नमक पानी से स्नान करना, हाई बीपी जिनको। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि आहार में यदि अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से रक्तचाप बढ़ता है तो वहीं काले नमक का उपयोग करने से वही सोडियम की मात्रा हमारे अंदर कम जाती है और जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल में आ जाता है। काले नमक का छठा फायदा है मांसपेशियों में से ऐंठन को दूर करना। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने से मांसपेशियों में ऐंठन होनी शुरू हो जाती है, तो वहीं काला नमक खाने के फायदे की बात करें तो मांसपेशियों की ऐंठन में राहत दिलाता है काला नमक। काले नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पाई जाती है जो कि इस समस्या से हमें निजात दिलाने में बहुत ही कारगर है।
सातवां फायदा काले नमक का है बच्चों के लिए। काला नमक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और बच्चों के आहार में सोडियम की मात्रा को कम करने की सलाह दी जाती है हमेशा से ही। तो बच्चों को काला नमक यदि दिया जाए तो उनके शरीर में सोडियम कम जाएगा, जिससे कि बच्चों की हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होगी। काले नमक का आठवां फायदा है पाचन तंत्र के लिए। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं होता, उन्हें ब्लैक सॉल्ट जरूर लेना चाहिए। इससे पाचन से जुड़ी समस्याओं का निदान होता है। नौवां फायदा काले नमक का है त्वचा के लिए। काले नमक के फायदे त्वचा पर भी दिखाई देते हैं। काले नमक में कई तरह के प्राकृतिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस कारण इसे स्क्रब और स्पा की तरह उपयोग करने से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है। दैट मीन्स हमें डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है। काला नमक त्वचा की प्राकृतिक बनावट को सुरक्षित रखकर त्वचा को चमक प्रदान करता है। साथ ही यह त्वचा के टिश्यूज को मजबूत करता है, जो कि त्वचा की कोशिकाओं को पुनः जीवित करने का काम करता है। तो दोस्तों, काला नमक स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दसवां असर काले नमक का होता है हमारे बालों पर। काले नमक का फायदा बालों के लिए भी होता है। काला नमक यानी कि रॉक सॉल्ट में क्लिंजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जो स्कैल्प और बालों को साफ करने का काम करते हैं। इसके अलावा नमक युक्त पानी से बाल धोने पर बालों की कंडीशनिंग भी होती है, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने की। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक है। नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय, माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खराब है। जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे कुछ फायदे काले नमक के। यदि हम बात करें काला नमक कैसे लें, तो आप काला नमक सब्जियों में डाल सकते हैं, सलाद पर डाल सकते हैं, नींबू के साथ पानी में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है, दही में आप इसको डालकर ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको जरूर फायदा मिलेगा। और जैसा कि राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि काला नमक अपने खाने में जरूर डाल लें और समुद्री नमक को अपने खाने से बिल्कुल ही हटा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए और भी वीडियोस राजीव दीक्षित जी द्वारा बताई गई। नमस्कार दोस्तों।